राष्ट्र रक्षा के संकल्प में बात अब चीन के खिलाफ भारत की उस रणनीति की, जिससे चीन का टेंशन में आना तय है। चीन के साथ लगती भारत की सीमा पर निगरानी और सुरक्षा करने वाली आईटीबीपी को सरकार ने और भी ताकतवर बनाने का फैसला किया है। आईटीबीपी की 7 नई बटालियंस बनने जा रही हैं, जिसके लिए 9400 नए जवानों की भर्ती की जाएगी। साथ ही आईटीबीपी को एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी मिलने जा रहा है, जिससे चीनी सीमा की निगरानी अब और भी पुख्ता हो सकेगी। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस अब और शक्तिशाली होने जा रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन और भारत की सीमा पर मुस्तैद आईटीबीपी की ताकत में अब और इजाफा होने जा रहा है। आईटीबीपी को सरकार ने और भी मजबूत बनाने के लिए 7 नई बटालियन बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 9400 नए जवानों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आईटीबीपी को एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी मिलने जा रहा है। इसके मायने ये हैं कि चीन से लगती सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही आईटीबीपी का जाबाजों की चप्पे चप्पे पर तैनाती होने वाली है। अब इनकी चौकन्नी नजरों के सामने अब परिंदा भी पार नहीं मार सकेगा। इसने जनवरी 2020 में, अगर आपको याद होगा, आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को भी उस समय अनुमोदित किया था। और इन नए बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के निर्माण की कार्य प्रगति पर है। और जब इन बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 7 नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। 2020 में अरुणाचल प्रदेश में 47 नए बीपीओ यानी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की मंजूरी दी गई थी। साथ ही 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना को मंजूरी भी दी गई थी। वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी हैं। नए बीओपी और 12 स्ट्रेटेजिक कैंप स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है। इस फैसले का इंतजार पिछले कुछ समय से किया जा रहा था। जिस तरह से चीन सीमा के उस पार अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, नई चौकियां बना रहा है, चीन की रोजाना की नई नई साजिश और सीमा पर रणनीतिक गतिविधियों को देखते हुए आईटीबीपी को तत्काल अतिरिक्त बटालियन की जरूरत थी। खासकर अरुणाचल और उत्तराखंड सीमा पर इनकी अधिक आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही आईटीबीपी को नए जवान मिलेंगे। नई बटालियन और नए जवानों के आने से चीन की हरकतों पर और कड़ी नजर रखी जाएगी। शून्य से काफी कम जा चुका पारा भी आईटीबीपी के जवानों का हौसला नहीं टिका पाता। -40 से -60 डिग्री तापमान में भी ये मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। आईटीबीपी के जवानों को ट्रेनिंग कुछ ऐसे दी जाती है कि वे पहाड़, नदी, जंगल कहीं भी मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। आईटीबीपी के जवान करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग करते हैं। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। ऊपर से खून जमा देने वाली सर्दी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर हालात को और भी मुश्किल बना देते हैं। लेकिन जवानों के बुलंद हौसले के आगे ये विपरीत हालात भी हार मानते हैं। ये जवान ट्रेंड होते हैं कि बर्फीले मौसम को कैसे मात देना है, कैसे ग्लेशियर को तोड़कर आगे बढ़ना है, कैसे फिसलन भरे पहाड़ों पर चढ़ना उतरना है और कैसे दुर्गम पहाड़ों पर मुश्किल मिशन को अंजाम देना है। हथियारों के अलावा हैंड टू हैंड फाइट में भी आईटीबीपी जवानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मार्शल आर्ट से लेकर युद्ध की हर कला में माहिर हैं आईटीबीपी के जवान। रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लेशियर ट्रेनिंग, स्कीइंग, हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है।
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। पल भर में दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं और इसलिए इनके भरोसे महफूज है देश की सरहद। आईटीबीपी के जवानों की ताकत और काबिलियत को चीन भी बखूबी जानता है, लिहाजा सरकार का यह फैसला चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेश मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप करके ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की एक इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। जून 2020 में लद्दाख के गलवान में खूनी झड़प के बाद से भारत चीन सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। पिछले साल 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ऐसे में चीन के खिलाफ इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी की ताकत तो बढ़ेगी ही, जवानों और अधिकारियों की संख्या बढ़ने से सीमा की सुरक्षा अभेद्य भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खुद न्यूज़ टुडे।